हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनीष कुमार गुप्ता है और आप देख रहे हैं गुप्ता जी टेक्निकल चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस तरीके से अगर आपका चैनल ओल्ड है या न्यू है, आपका चैनल अगर पुराना है या नया है, इन दोनों चीजों को कैसे जोड़ के हम लोग यूट्यूब पे काम करते हैं, आप लोगों को पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूं। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि आप अगर पुराने चैनल्स पे काम कर रहे हो और उस पे व्यूज नहीं आ रहे हैं, तो आप लोगों को बहुत सारे आइडियाज मिलते होंगे कि यहाँ पे आप नए चैनल्स बना लो, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरा डिटेल्स में इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि आप लोग अगर यूट्यूब पे चैनल्स बनाए हो, वो पुराना हो चाहे नया हो, उसके बारे में आप लोगों को डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जो है कि शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पॉइंट वाइज आप लोगों को यहाँ पे समझा देता हूँ, क्योंकि अगर आपका चैनल्स आपने बनाया है और वो चैनल्स बहुत पुराना है और उस पे आप वीडियोस अपलोड करते हो, वहां पे आपका व्यूज नहीं आता है, सब्सक्राइबर नहीं आते, कुछ भी ग्रो नहीं होता है, थोड़ा बहुत व्यूज आ जाते हैं 30-40-50-100 जो भी व्यूज आ जाते हैं, ये होता है ओल्ड चैनल के लिए। ओल्ड चैनल्स पे क्या होता है कि सब जब पहले वीडियो चैनल्स बना लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ कॉन्टेंट डालते हैं जो वीडियोस वायरल होते हैं, मगर उसके बाद आप लोगों ने कुछ गलतियां कर देते हैं अपने चैनल्स पे, कुछ और कंटेंट कहीं से और लाके आप अपलोड कर देते हैं, तो जो चैनल है वो धीरे 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 नीचे चला जाता है। और यूट्यूब ये कहता है कि जब चैनल्स आपका है तो आप ऐसे कंटेंट डालिए जो आपका हो, खुद का हो, और वो धीरे धीरे आपका वायरल हो जाएगा, आपके सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएंगे, तो कोई भी टेंशन नहीं। अगर व्यूवर्स जो भी आपके चैनल्स के वीडियोज देखते हैं, वो यही सोच के आते हैं कि आप इस टॉपिक से वीडियोस बनाते हो और उसी टॉपिक्स के लिए वो वीडियोस आपके देखने आएंगे, मगर आप चैनल्स बना लेते हो, एक दो वीडियोस वायरल हो जाते हैं, फिर उसके बाद जो है कि आपने गलतियां करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं कि नहीं अभी नया चैनल्स बना लिया जाए, और बहुत सारे पुराने चैनल्स पे स्ट्राइक आ जाता है, तो उसके वजह से जो है कि आपका चैनल जो है ग्रो नहीं होता है। ये बिल्कुल भी आप मान लीजिएगा, अगर आपका चैनल स्ट्राइक आ जाएगा तो आपका 100 व्यूज आ रहा है तो वहां पे आपका चैनल जो है सीधे नीचे आके आपके 20-10-15 व्यूज ही आएंगे, उससे ज्यादा नहीं आएंगे, और आप घबरा के फिर क्या करते हो कि अपना वो नया चैनल्स क्रिएट कर लेते हो, नया चैनल्स पे अपने वीडियोस को डालना स्टार्ट कर देते हो। तो ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। अगर आपका पुराना चैनल्स है, अगर स्ट्राइक नहीं आया है, अगर स्ट्राइक आ गया है और उसके बाद आप वीडियोस डाल रहे हो, तो आपका चैनल जल्दी ग्रो नहीं होगा, मगर हाँ आपका जो फर्स्ट वीडियो, सेकेंड वीडियो जिसपे आपके व्यूज आए हैं, किस टॉपिक पे आप वीडियोज बनाए हो, वैसे अगर वीडियोज ओल्ड चैनल्स पे आप डालते हो तो आपका चैनल ग्रो करेगा, मगर अगर कुछ और टॉपिक्स पे वीडियोस डालते हो तो आपका चैनल बिल्कुल भी ग्रो नहीं करेगा, फिर आपको एक नया चैनल्स बनाना पड़ेगा। और नया चैनल्स बनाने के बाद आप लोगों को ये पता होगा कि आप जिस भी टॉपिक्स पे वीडियोस अपलोड करते हो वो उस टॉपिक पे ही वीडियोस अपलोड करेंगे, तो आपको यूट्यूब देता है कुछ 3-4 हफ्ते आप लोगों को देता है कि आप वीडियोस अपलोड करिए, और उसके बाद यूट्यूब अपने चैनल्स को, आपके चैनल्स को जो है कि ग्रो कराता है, वीडियोस को ग्रो कराता है, व्यूवर्स के पास पहुंचाता है, और वहां पे बहुत सारे व्यूज आपके आ जाते हैं, और आपका जो नया चैनल्स क्रिएट किए रहते हैं वो ग्रो हो जाता है, और आपके सब्सक्राइबर भी बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं। मगर उस टॉपिक पे आप जो भी वीडियोस बना रहे हो वो कंटिन्यू रखोगे तो आपका चैनल्स पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी स्ट्राइक नहीं आएगी। तो दोनों डिफरेंस आप लोगों को बता दिया फ्रेंड्स कि अगर आपका नया चैनल्स है तो आप उसी टॉपिक्स पे वीडियोस अपलोड करिए जिस टॉपिक पे आप वीडियोस बना रहे हो, और कंटिन्यू उसको करिए तो आपका चैनल्स ग्रो हो जाएगा। और अगर आपका पुराना चैनल्स है तो उस पे आपका अगर स्ट्राइक आया हुआ है या बहुत दिनों से आपने वीडियोस डालना बंद कर दिया है तो आप कंटिन्यू करना चाहते हैं उस पे, तो वीडियोस आपके वायरल जल्दी नहीं होंगे। हाँ, मगर अगर कुछ वीडियोस आपके ओल्ड चैनल्स पे थे और वो चैनल्स पे आपने वीडियोस डाले थे और वो ओल्ड चैनल्स पे जो वीडियोस थे वो वायरल हुआ था और उस टॉपिक पे आप फिर से वीडियोस बनाते हैं पुराने चैनल्स पे, तो आपका चैनल जो है कि ग्रो हो जाएगा और आपका वीडियोस वायरल हो जाएगा। तो ये आप लोगों को कैसा लगा वीडियो फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगा तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताइए।